नवांगतुंग पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज ने किया जनपद एटा का औचक निरीक्षण। नवांगतुंग पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज ने किया जनपद एटा का औचक निरीक्षक, राजपत्रित अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक दिया निर्देश। पुलिस नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ पीयूष मोडिया द्वारा जनपद आगमन पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर सलामी लेने के पश्चात पुलिस लाइन एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अपराध समीक्षा तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जनपद में लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराने एवं सतर्कता बरतने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज अलीगढ़ द्वारा समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे थाने पर आने थाना वाले प्रत्येक फरियादी से नम्र व्यवहार बरतें तथा उनकी समस्याओं को शीघ्र एवं सम्यक निरावरण करें। उन्होंने बताया कि थाने पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पुलिस से बहुत सी अपेक्षाएं लेकर आता है, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने, अगर हो सके तो तत्काल मौके पर जाकर ही उसका समाधान कराएं। महिला संबंधी अपराधों में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज ने जनपदीय पुलिस से पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को दृष्टिगत बेहतर कानून व्यवस्था, सनसनीखेज खुलासों एवं कार्य प्रबंधन करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारीगण से प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री राहुल कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रतिसार निरीक्षण एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, जो मैंने देखा कि आपराधिक घटनाएं तो सभी जनपदों में कुछ होती रही है, परंतु तो अच्छी बात यह है कि घटने के तुरंत बाद में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके उनका निस्तारण भी किया गया, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और कुल मिलाकर अगर मैं अपने विश्लेषण के बारे में कहूँ तो मैं यहाँ की जो वर्तमान में पुलिस की कार्य पद्धति प्रणाली है, जिस तरीके से काम करना, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। सर, जैसे कि प्रदेश में कुछ अभी की स्थिति देखी जाए तो कुछ आपराधिक घटनाएँ ज़्यादा बढ़ी हैं। देखिए, मैं प्रतिनियुक्ति पे 8 साल से प्रदेश से बाहर था सीमा सुरक्षा बल में, और सीधे लौटते ही अलीगढ़ आया। तो मैं पिछले 14-15 दिनों में जो मैंने देखा है, ये पाया है कि घटनाओं में कमी आई है और अपराधियों के विरुद्ध बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। और अभी भी पुलिस का, क्योंकि पुलिस को अपने कार्य को संपादित करने के लिए काफ़ी संसाधन भी पिछले 2 सालों में उपलब्ध कराए गए हैं। पहले 112 नहीं होता था, अब 112 इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहला कार्य जो अपेक्षित था वो ये कि पुलिस मौके पर पहुंच जाए। आप आजमा के देख लीजिए, फ़ोन करके देख लीजिए, पर जो एक अपेक्षित समय सीमा है उसमें पुलिस पहुँच जाती है मौके पर, और उसके पहुँचने से काफ़ी गंभीर घटना होने से बच भी जाते हैं, और तुरंत पहुँचने से घटनाओं का निस्तारण और जो शिकायतों का निस्तारण भी संभव हो पाता है। सर, कई बार देखा जाता है जो टॉप 10 अपराधी वगैरह जो क्रिमिनल बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो है अपना शिकार बना लेते हैं, जैसे दबिश के दौरान। सर, उसमें जो है बेहतर व्यवस्था कैसे हो पाएगी, उसके लिए सर क्या कदम उठाएगी सर यूपी पुलिस? देखिए, कोई अगर स्पेसिफिक घटना आपके मस्तिष्क में हो तो अलग बात है, बाकी मैंने देखा है कि हमारी सारी पुलिस फोर्स जो है वो यदि कोई घटना घटती है प्रदेश तक वो सबसे सीख लेते हैं और ज़्यादा सतर्कता के साथ दबिशों में जाते हैं। और आज की तारीख में जनपद अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज जो हमारे रेंज में है उनमें इस प्रकार की कोई भी स्थिति मैंने नहीं पाई। सर, आखिरी सवाल, आज आपके द्वारा क्या स्पेशल गाइडलाइन दी गई है जब क्राइम मीटिंग की है? तो आज मेरे द्वारा सबसे ज़्यादा जोर यही दिया गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति थाने में पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर, दुखी आदमी पहुंचता है, थोड़ी पीड़ा लेकर थाने पहुंचता है, तो जो आदमी वास्तविक जो एप्लीकेंट है वो परेशान है, किसी परेशानी की वजह से लूट, डकैती, अपराध घटित हो गए हैं, थाने पहुंचा है, तो थाने से जाए वापस तो थोड़ा सा सुख लेके जाए, उसकी बात ढंग से सुन ली जाए, उसे अच्छा व्यवहार दृष्टिगोचर हो,
और उसे यह महसूस हो कि थाना वास्तव में उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पुलिस बन के ना मित्र बन के उसकी मदद की जाए, जिससे इधर रहा है पीड़ित की, पीड़ित को ये एहसास हो कि हमने वाकई उसकी बात सुनी और उसका कार्य करें।